जल है तभी तो कल है, जल ही तो जीवन का आधार है। हजारों गांवों में पाइप से पानी पहुंचेगा तो इससे भी इस क्षेत्र के मासूम बच्चों का स्वास्थ्य सुधरेगा। पानी शुद्ध करने के फिल्टर प्लांट बनेंगे और पानी पाइपलाइन से तुम्हारे घर में टोटी वाला नल लगा के दिया जाएगा, टोटी वाला नल। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की यही दृढ़ इच्छा शक्ति रतलाम जिले के इन गांवों में जमीन पर आकार ले रही है। आजाद भारत के इन गांवों में 75 बरस बाद असल आजादी मिलेगी, पानी की आजादी। पानी की सुविधा हमें एक महीने या डेढ़ महीने के अंतराल के बाद अब मिलने वाली है। वो जब हमें मिल जाएगी तब हम अपनी असली आजादी महसूस करेंगे और हमें बड़ी खुशी होगी। रतलाम पश्चिम मध्य प्रदेश की राजस्थान की सीमा से सटा जिला है। ये सोने के बाजार और सेव नमकीन के जायके के साथ अफीम उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। मुंबई दिल्ली रेल लाइन पर बसा रतलाम औद्योगिक जिला है। यहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया से सटे इन गांव के ग्रामीणों को प्रदूषित भूजल की वजह से बीते 40-50 बरस से इसी जहरीले लाल पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। जांच में पता चला कि ये पानी पीने लायक तो दूर किसी तरह के उपयोग के काबिल भी नहीं है। इन गांव में कैंसर, पेट और एलर्जी जैसी कई गंभीर बीमारियां पैर पसार चुकी हैं। यहां तक कि इन गांव की पहचान ही काले पानी वाले गांव की हो चुकी थी। बाहर गांव जावा तो कनी पानी कनी गांव ते के बोल कारा पानी गांव वाला, कारा पानी रे गांव वाला, और वी गांव वाला यो कारा पानी गांव रो होनी ने कारा पानी वाला कोई लड़की भी यहां देवान नहीं चाहतो। तो मोदी और शिवराज सरकार ने इन गांवों के दर्द को समझा। जल निगम के जरिए पहले 15 गांव में शुद्ध पेयजल वाली गुणावत ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना तैयार की गई। मलेनी नदी पर बने बांध के पानी को फिल्टर करने के लिए साल 2019 में एक बड़ा फिल्टर प्लांट तैयार करने की नींव रखी गई। इनटेक वेल के साथ रॉ वाटर पंपिंग, फिल्टर प्लांट, क्लियर वाटर पंपिंग, उच्च स्तरीय RCC टंकी, MBR समेत पूरा प्लांट स्टैब्लिश किया गया। लगभग 128 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाकर 35 किलोमीटर क्षेत्र में बसे इन गांव के हर घर को इससे जोड़ा गया। योजना का 98% काम पूरा हो चुका है। जल्द ही इन गांव में अब हर घर शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। इससे बीमारी रहित, सेहतमंद और खुशहाल जीवन की उम्मीद जाग गई है। योजना की असल कामयाबी की तस्वीर योगिता की इन बातों से समझी जा सकती है। पानी भरने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है और स्कूल जाने में लेट हो जाते हैं, तो हमें पानी भरने के लिए बहुत परेशानी आती है। इससे हम अपने सपने पूरे नहीं कर पाते हैं। पानी आने वाला है, इससे हम अपने सपने पूरे कर पाएंगे और पढ़ाई के लिए वक्त निकाल पाएंगे। कमोबेश यही हाल गुणावत गाँव का भी था। यहाँ पीढ़ियों से लोगों के लिए बूंद बूंद पानी के लिए तरसना नियति बन चुकी थी। अब घरों की दहलीज तक नलों से पानी पहुंचने की खबर से गांव वालों की खुशियां सातवें आसमान पर हैं। मैं धन्यवाद करती हूं सरकार का, जो उन्होंने हमारी आवेदन को, हमारे संघर्ष को स्वीकारा और आज ये योजना ग्राम गुणावत में सम्मिलित की है। कारे पानी आता बहुत साल हो गए कारे पानी, तो अभी उजड़ा पानी आ जाए तो अच्छा लगे मुझके। सरकार को अच्छा धन्यवाद दूंगा, अच्छा एक नारियल फोड़ूंगा मैं, धन्यवाद दूंगा सरकार को। जल प्रदाय से पहले गांव-गांव लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ग्राम जल एवं स्वच्छता निगरानी समितियों को FTK कीट के जरिए समझाइश दी जा रही है। सरकार के इस भागीरथी प्रयास से बेहद खुश ग्रामीण जल कर जैसी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए पूरी तरह कृत संकल्पित है। जब मोबाइल के रिचार्ज में इतना खर्च कर सकते हैं तो पानी भी क्यों नहीं, क्योंकि इससे पानी से जुड़ी हमारी समस्या, स्वास्थ्य समस्या है, कोई बीमारी हमको नहीं होगी, इससे हमारा पैसा ही बचेगा, दवाई गोली नहीं लाना पड़ेगी और बिल्कुल समय पे भुगतान करेंगे हम। विश्वास है कि अब हमारे यहाँ पेयजल टंकी बन जाएगी और गांव के लोग बड़े खुशी से आपका भी स्वागत करेंगे, शासन का भी करेंगे, सरकार का भी करेंगे। जो हम चाह रहे थे उससे भी ज़्यादा हम लोगों को सपोर्ट मिला है गाँव वालों से यहाँ पर, तो काम करने में हम लोगों को कोई मतलब हैवी परेशानी नहीं आई, बहुत आसानी से हमारा काम हुआ और गाँव वालों का पूरा सपोर्ट रहा।
इस योजना से 15 गांवों में 28,630 लोगों की आबादी लाभान्वित होगी। इन गांवों में 5,726 नल कनेक्शन दिए जा रहे हैं। 30.77 करोड़ की लागत वाली योजना की क्षमता 2.8 MLD है। हमने एकीकृत प्लानिंग किया और स्कीम्स को कमांड एरिया बेस पे प्लान किया। जैसे डैम है तो उसके नीचे के पार्ट को उस डैम से हमने सप्लाई के लिए प्लान किया, जिससे कि एनर्जी कॉस्ट कम से कम आए। दूसरे कई स्टेट्स ने भी आके ये प्लानिंग के जो मॉडलिटीज़ होती हैं, बारीकियाँ हैं, वो समझी हैं। एंड हमको ये बताते हुए खुशी है कि हमारी जो प्लानिंग है मल्टीपल स्कीम्स की, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। क्योंकि बहुत दूर से पानी लाया जा रहा है, इसमें लागत भी ज़्यादा है और जब स्कीम रन करेंगे उस समय इसमें बिजली का जो व्यय है वो भी ज़्यादा आएगा। इसलिए मेरा अपील है उपभोक्ताओं से, जो भी इस 14 गांव के जो उपभोक्ता हैं, इस स्कीम को आप अपना स्कीम मान के चले और पानी को मितव्ययता से इस्तेमाल करें। लक्ष्य तो यही है कि जो जल जीवन मिशन की समय सीमा है 2024 तक, उस समय तक अधिक से अधिक हम गाँव को कवर करें। योजना की जो गुणवत्ता है उसको बिल्कुल प्रभावित होने नहीं दे रहे। हो सकता है काम करने में थोड़ा समय लगे, लेकिन जो काम हो वो पुख्ता काम हो, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं और 2024 के लक्ष्य को ही लेके चल रहे हैं। क्लीन वाटर, हेल्दी लिविंग।